गुजरात, और आज हम एमएम न्यूज़ की एक्सक्लूसिव बजट ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल हमने डिफरेंट सेक्टर्स पे डिस्कस भी किया था, और ये भी हमने कुछ डिस्कशन की थी कि बजट जो कि अभी कुछ चंद घंटों में या थोड़ी देर में जो पेश किया जाएगा उसके क्या सेलियंट फीचर्स हो सकते हैं। साथ साथ में हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तजावीज़ भी दी थी गवर्नमेंट को कि किस तरह का बजट होना चाहिए। बहरहाल बजट तो अब क्योंकि बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमने एक्सपेक्टेशंस शेयर की थी डिफरेंट इंडस्ट्री के लोगों की, और उसके साथ साथ हमने जो एक्सपेक्टेड बजट आने वाला है उसके हवाले से भी डिस्कस किया था कि क्या उसके वेरियस चंक्स हो सकते हैं। नाज़रीन, अभी क्योंकि ये आप ये समझ लें कि जस्ट बिफोर द बजट ट्रांसमिशन है और उसके फ़ौरन बाद बजट प्रेजेंट होने जा रहा है, तो हमारा ज़्यादा फोकस ये होगा कि बजट में कौन कौन से अहम ऐलान गवर्नमेंट अभी करने वाली है। बिलखसूस आम आवाम ये देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, तो वो गवर्नमेंट की तरफ एक वेलफेयर बजट या टैक्स फ्री बजट का समझ लीजिए कि उनकी परसेप्शन है कि गवर्नमेंट इस तरह के एक बजट पेश करेगी। साथ साथ में आम आदमी रिलीफ के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा है, और बिजनेसमैन बिलखसूस इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन सेक्टर और एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो है वो अच्छा खासा उनकी एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट इस बजट में उनको रिलीफ देगी, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे पूरी दुनिया में इफेक्ट हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी शायद ज़्यादा इफेक्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी पहले ही अभी स्ट्रगल कर रही थी, और जैसे ही कोई रिवाइवल के चांसेस हमें नज़र आए और थोड़ा सा इकोनॉमी ने इम्प्रूव किया तो कोविड की हिट हम पर आ गई। तो हमने इन तमाम हवालों से डिस्कशन करने के लिए दो नहायत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दावत दी है। मैं इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, मेरे साथ पहले बैठे हैं सरदार शौकत पोपल रही साहब, आप प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के। सरदार साहब से हम अक्सर सीपैक के साथ साथ जो बजट और बिलखसूस बलूचिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं उन हवाले से भी डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज हम ओवरऑल बजट पे इनसे बात करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं जनाब महमूद मौलवी साहब। मौलवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि मैरीटाइम अफेयर के एडवाइज़र भी हैं, उसके अलावा भी इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से भी डिफरेंट प्रोग्राम्स में लेते रहते हैं। आप चेयरमैन हैं मौलवी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के। मैं शुरू करूंगा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं पहले सवाल से सरदार साहब आपसे। सीपैक पे सवाल मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज क्योंकि बजट कुछ देर में आ रहा है तो ये बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिसमें रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, बिलखसूस प्रोविंशियल लेवल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं बहुत फेयर बात करूं, जी, बिल्कुल। और IMF के ये कहने के बाद मेरे ख़्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती कि मैं कहूं कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री को, कॉमर्स को या आम आदमी को, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जी यू हैव टू मेक बजट अकॉर्डिंग टू दी विशेज़ ऑफ IMF। तो उसके बाद वो जो एक लेवरेज होता है प्लानिंग कमीशन का या प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का, वो ख़त्म हो नहीं, गया। इसमें IMF ने सरदार साहब कहा था कि हम माफ काफ़ी हमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ने नेगोशिएट किया है, बल्कि IMF ने तो ये भी कहा है कि 3 महीने तक उन्होंने बिल्कुल अपनी शरायत को वापस ले लिया और कहा कि जी आप बिल्कुल अपने मर्जी से बजट बनाएं। मैं बिल्कुल, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं जी आ जी रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे पास जो उसका नॉलेज है मैं उस बेस पे आपसे मैं आर्गूमेंट जरूर बिल्कुल आप। करूंगा। और 5 रोज़ पहले उसका मुजाहरा ये हुआ कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग से बाहर निकल गए थे और वो दोबारा नहीं गए उस मीटिंग में। फिर प्राइम मिनिस्टर को मिले तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको अश्योरेंस दी कि जी हम PSDP में बलूचिस्तान की रिजर्वेशंस को पूरा करेंगे। तो अगर IMF की इंस्ट्रक्शन दी तो उस तक नहीं होगा। बहरहाल ये मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं, मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं इसमें कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लेकिन जो इस वक्त COVID-19 ने जिस किस्म की दुनिया के अंदर तबाही की है तो पाकिस्तान भी उससे बिल्कुल बचा नहीं है। तो बचने के बाद आपका पूरा स्ट्रेस जो है इकॉनमी का वो हेल्थ की तरफ डाइवर्ट हो गया। आप देखें शॉर्ट टर्म जो जिस किस्म की हमारी बजटरी प्रोविजन ऑलरेडी नहीं थी, हम डिफिसिट में थे, और फिर इमीडिएटली बिलियंस ऑफ रुपीस, मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ट्रिलियन के करीब चला जाएगा फिगर, कि आपको अपनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर। अब उसके बाद और उसके साथ रिलीफ्स जो हैं वो अलग हैं। वो अलग हैं। अब उसके नीचे आके अगर आप बजट की बात करें तो अब बजट में आप किस किस्म के टैक्स दे सकते हैं, उसके बाद जो IMF की विशेज़ हैं कि आपका डिफिसिट इतना होना चाहिए, आपकी GDP GNP इतनी होनी चाहिए,
तो आप उस फिगर को मैच नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट आज जो भी बजट अनाउंस करेगी, अल्लाह करे कि वो उसके विशेष को मैच कर सके और वो हम उस चीज़ पे पूरा उतर सकें और हमारी इकोनॉमी जो है वो डीरेल ना हो। एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है? मैं आपको फेयरली बोल सका हूँ कि मैं आई एम नॉट वेरी होपफुल, नॉट वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। एक तो ये कि IMF के हवाले से भी, और अब्दुल रजाक साहब जो अब्दुल रजाक दाऊद प्रेसिडेंट के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं बिजनेस के हवाले से, उन्होंने भी ये कहा कि IMF ने हमें 3 महीने के लिए कहा है कि आप अपने हिसाब से बजट बना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट हलके हैं और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि IMF का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उस इन्फ्लुएंस के अंडर ये बजट बन रहा है जो अभी 2020 का है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तनाजुर में गवर्नमेंट किस हद तक रिलीफ दे पाएगी? देखिए, ये बड़ा टेक्निकल बेसिकली इशू आ चुका है, क्योंकि IMF का इन्वॉल्वमेंट तो है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है बगैर IMF के इन्वॉल्वमेंट के। और कुछ हद तक ये भी मैं आपको कहूँगा कि IMF ने कुछ रिलीफ्स भी दे रही है, उसकी वजह ये देखें ना, इस वक्त जो है अगर रिलीफ ना मिले तो IMF के 100% पॉलिसीज के ऊपर अगर ये बजट आएगा दैट वुड नॉट बी गुड, ठीक है, और वो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। उसकी वजह देखें, इस वक्त जैसे भाई ने कहा हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, देखें एक तो बीमारी की वजह से, दूसरा इसने देखें इकनॉमी को काफ़ी हिट किया है, और ये जो चीज़ें हैं कि हमारा ये कहना है कि हेल्थ में, हेल्थ के अलावा आप देखें ना कि एक्सपोर्ट्स हमारे वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये एक एडवांटेज जो मैं कहूँगा ये मिला है वो है हमें ऑयल सेक्टर से, ऑयल सेक्टर ने हमें बहुत बड़ा मैं कहूँगा ब्रीदिंग स्पेस दिया है। उसकी वजह ये है कि जो कीमत हम दे रहे थे जी, वो हमें रिलीफ मतलब अच्छे खासा मेरे ख्याल में 2-3 बिलियन डॉलर, वही मैं कहूँगा वही एक मेन रिलीफ मिला है। तो उसमें ये है कि अगर आप पिछले साल से जब बजट को आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले साल जो डेफिसिट था तो इस साल का डेफिसिट उस हिसाब से बहुत कम है। जो बजट का डेफिसिट किया, बजट का डेफिसिट जो पिछले साल का था, इस साल जो बजट का डेफिसिट आएगा वो कम आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं अगर एक से मुझे इजाजत दें तो मैं साथ ही एक और सवाल कर लूँ कि 3,235 अरब रुपए के सूद और कर्जों की अदायगी पे खर्च होंगे, टोटल अगर हमारी कलेक्शन देखें तो 4,950 है। ये एक बड़ी अजीबो गरीब बात नहीं है कि एक शख्स की, अगर हम एक इंडिविजुअल एक शख्स की एग्जाम्पल लें, उसकी इनकम 4,950 है, उसमें से वो 3,235 रुपए वो कर्जों की अदायगी में दे देता है और बाकी 1,500 रुपए बचते हैं या 1,700, तो वो कहाँ कहाँ पे खर्च करेगा? तो ये तो बड़ी एक, इस मामले को किस तरह हल किया जा सकता है, ये जो 3,235 अरब रुपए सूद और कर्जों की अदायगी में गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं? देखिए, अब ये देखिए, सूद और ये कर्जे तो वापस तो करने हैं, ठीक है ना, या तो IMF या कोई डोनर्स हमें कोई राइट ऑफ करें, ठीक है ना, वो दैट वुड बी आई वुड से अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि कोई राइट ऑफ, वरना अगर देखें देना तो है हमें और खर्चे भी जो है होना है। देखिए ना, उसकी वजह ये है कि महंगाई भी आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो टैक्सेस लगाने के तो कोई चांस नहीं है इस बजट में कि मजीद टैक्स रिलीफ ही देने की बात हो रही है। देखें, चाहे सेल टैक्स में रिलीफ दें, इनकम टैक्स में रिलीफ दें, क्योंकि अगर हम रिलीफ नहीं देंगे तो आप मुझे बताएं ना, इकोनॉमी का तो सत्यानाश है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस, रिलीफ्स वुड बी डेफिनेटली देयर। सरदार साहब, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि, जाहिर है कि ये फेडरल बजट है, उसके बाद प्रोविंशियल बजट आएगा, बहुत सारी चीजें 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास आ गई हैं, वो भी अपना बजट प्रेजेंट करेंगे, तो हो सकता है उसमें भी रिलीफ की बात है। फेडरल लेवल पे कौन से रिलीफ आप तवक्को कर रहे हैं, जो कि बिलखसूस अगर बलूचिस्तान के हवाले से पूछूं तो? देखिए, जैसे राहुल भाई ने बोला कि ये आप टैक्स रिलीफ उसी वक्त दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे और रिलीफ ना दे, जैसे प्रैक्टिस पाकिस्तान में चलती है, और वो फिर FBR के अंदर ही फाइलें घूमती रहती हैं और वो काम होता नहीं है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि टैक्स रिलीफ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं ऑयल पे आता हूँ कि पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस कम हो गई, यानी अरब मुल्क जिनकी ऑयल पे ऑयल की इनकम थी वो ट्रबल में आ गए। पाकिस्तान में आप ये देखें, मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पम्प बंद हो गए, वो क्यों? क्योंकि ऑयल कंपनीज ने, मुझे मालूम है कि रिफाइनरीज ने गवर्नमेंट को वॉर्न किया था
कि हमारा मार्जिन कम हो गया है, बिजनेस मार्जिन कम हो गया, प्राइसेस परसेंटेज तो वही है उनकी। अगर नहीं, मैं आता हूँ, उस अर्ज कर रहा हूँ जी जी, वो जो उनको चीज मिल रही है वो उस पर पैसे कमाना चाहते हैं, फिर गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ मद में सब्सिडी देती है, सब्सिडी के बाद फिर आपका सर्कुलर डेट उनके सर के ऊपर है, तो अगर उन्होंने फाइनेंसिंग ली है बैंक से तो उनको फाइनेंसिंग उसी कॉस्ट पे देना है। तो उनका कहने का मकसद है कि हमें इस ऑयल की प्राइस के नीचे होने से कोई प्रॉफिटेबिलिटी या फायदा नहीं होगा, ये बिल्कुल फेयर उन्होंने बात की है। और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है पाकिस्तान में जो ऑयल, वो भी शामिल है इसके अंदर। अब वो दो माह से मैं हैरान हूं इस बात का कि गवर्नमेंट ने कोई अटेंशन नहीं दी उसके ऊपर कि वो कंपनीज क्या कर रही। अब मुख्तलिफ आप दो दिन से खबरों में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज को पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर FIR कट रही हैं कि जी आपके पास रिजर्व है आप बेच नहीं रहे। देखिए हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। आप सर्कुलर डेट, मैं इस सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता, पिछली दो तीन गवर्नमेंट से सर्कुलर डेट चल रहा है, लेकिन आप सच्चाई से बताएं कि अगर चल रहा है तो हाउ टू सेटल इट, यू हैव टू सेटल इट इधर वे। अब जब मैं टैक्स अगर है आवाम को आप खुले तरीके से बताएं कि अगर आप ये बता सकते हैं कि हमने 500 बिलियन रुपीस लोगों में बांटे हैं, 12,000 रुपए या 25 लाख रुपया एक मरीज के ऊपर आपने लगा दिया, तो लेट्स टॉक ट्रुथ। टाइम ऐसा आ गया कि गवर्नमेंट को आवाम को बताना होगा कि रियलिटी क्या है। अगर देखें इसी IMF ने, इसी वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट में दो माह पहले ये बात बोली, अगर गवर्नमेंट्स ने अपने कंट्रीज को हैंडल नहीं किया, पर्टिकुलरली उन्होंने वॉर्न किया डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, तो दे शुड बी रेस्ट अश्योर एंड प्रिपेयर्ड फॉर द सिविल अनरेस्ट व्हिच इज वेरी डेंजरस। नहीं, ये तो खैर पूरी दुनिया में एक वेव इसकी नहीं, वेव के अलावा देखिए ये अगर वो आपको GDP GNP पे असेसमेंट देते हैं, वो ये भी पॉलिटिकल असेसमेंट भी अब उन्होंने देनी शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है कि जब पॉवर्टी आएगी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो जाहिर है कि एक अनरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं सर्कुलर डेट के हवाले से महमूद साहब आपसे भी इसी हवाले से पूछता हूँ कि क्या बजट में गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर इशू जो ऑयल का है और जो सर्कुलर डेट का सिलसिला है, इस पर भी कुछ फोकस कर रही है इसमें कुछ हवाले से, ताकि जो अभी पहले आटे का बोरान, फिर चीनी का बोरान, और अब ये पेट्रोल का बोरान, और लोगों को बड़ी जो है ना वो कितारों में खड़े होके तो वो पेट्रोल और दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम की, उसको वेट करना पड़ता है। देखिए मेरा थोड़ा नज़रिया फ़र्क है। देखिए असल में हमें जो इंडस्ट्री जो चला रहे हैं बड़े बड़े, जिसको आपने कहा ना आटे का बोरान, कुछ चीज़ें जो है ना, ये मैं कहूँगा गवर्नमेंट की रिट जो है कमज़ोर है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है, देखें अगर कोई चीज़ें कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है, तो लोगों को आदत इतनी हो गई है हैवी मार्जिन्स की कि वो अपने आप को रिड्यूस नहीं करते। देखें ना, इस वक्त जो आटे का जो आप बात कर रहे हैं बहरान हो गया, आज 50 रुपए का आटा हो गया है। इस वक्त आटा देखें, अभी तो हार्वेस्ट कटा है, आज से ठीक 15 दिन पहले, ठीक है ना, इसी शहर में आटा 40 रुपए किलो था, 15 से 18 दिन पहले टू बी वेरी एग्जैक्ट, आज 50 रुपए। गंदम अभी कटी है, बिल्कुल अभी कटी है। देखें इस वक्त तो मेरा ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा में तो अभी हार्वेस्टिंग चल ही रहा है। जी जी, स्टॉकिस्ट आ गए, स्टॉकिंग ज्यादा हो गई। अब वो कहेंगे कि देखें जी, अभी वही देखें जो पावर कंपनीज है उनके साथ नेगोशिएशन की बात हो रही है ना, वो कह रहे हैं हम नेगोशिएट करने को तैयार हैं टैरिफ्स को। देखिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ेगा। देखिए मैं ये कहूँ कि अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉफिट्स को देखिए, विंडफॉल प्रॉफिट्स सबने एक टाइम पे लिया, ये जो पावर कंपनीज हैं, ठीक है ना, जिसमें आप ये देखें ना विंड पावर भी है और दूसरे पावर्स भी हैं, आज वो नेगोशिएशन के लिए तैयार है ना। शुगर माफिया जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, वो भी तैयार है उसकी वजह ही देखें ना। अब तो चीज़ें आ रही हैं कि देखिए मार्जिन्स आर अलाउड, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, बट टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता ना कि यू टेक द होल नेशन फॉर अ राइड। देखिए हमारे यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं, कार्टलाइजेशन है, सीमेंट के कार्टल्स हैं, ठीक है ना, हर बहुत सी कंपनीज के कार्टल्स हैं। तो जब तक ये मैं कहूँगा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा देखें तकलीफ तो हो रहा है, मगर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक
मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आएंगे। एक बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि हमारे यहाँ लोगों को शायद बल्कि यकीनन मार्जिन ज़्यादा लेने की आदत है और हम कम मार्जिन पे सरदार साहब कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमें चाहिए 50% प्रॉफिट 100%, अगर 15% पे 10% पे आ जाए तो हम ये करने को तैयार नहीं है कि सेल ज़्यादा करके शायद ज़्यादा वॉल्यूम कमा लें, क्योंकि हमें मार्जिन की, ये बड़ी खूबसूरत बात है और बहुत सारी जगहों पर मेरे ख्याल में ये लागू होती है बेहतरीन तरीके से। डेवलपमेंट बजट के हवाले से मैं बात करता हूँ सरदार साहब, बलूचिस्तान के बारे में गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का भी, उससे पहले भी वैसे जो गवर्नमेंट्स थी उनका भी ख्याल था और उन्होंने बहुत सारे उसके कोई इकोनॉमिक पैकेजेस दिए। अब हमारे तमाम मुल्क के हालात तकरीबन मोर और लेस एक ही जैसे हैं, डेवलपमेंट की अगर बात करें पॉवर्टी 34% से बढ़ के कोई 40%+ पे चली गई है। तो जब सारे के सारे लोग डिफरेंट मुल्क के हिस्सों में रिलीफ मांग रहे हैं, पैकेज मांग रहे हैं, तो क्या बलूचिस्तान में कोई एक्सक्लूसिव पैकेज की तवक्को की जा रही है कि उनको एक कोई पैकेज दिया जाएगा बजट में? मैंने बिगनिंग में आपसे अर्ज़ की कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को रिजर्वेशन है कि प्लानिंग कमीशन ने उनकी जो कंसर्न है उनको एड्रेस नहीं किया इस बजट के अंदर। अब आज बजट आपके अगर आपके ज़हन में है या आपको कुछ पता है तो आप नहीं, दो तीन में आपको बहुत माइनर बड़े छोटे में कंसर्न बनाता हूँ। देखिए बलूचिस्तान की एक बहुत लंबी हाईवे है जो कराची से क्वेटा जाती है, फिर ऑनवर्ड तेहरान और फिर दूसरे कंट्रीज़ में जाती है। ये पहले RCD हाईवे थी, अब ECO, जब से RCD ECO बना ये ECO हाईवे बन गई। इस पर इतने एक्सीडेंट होते हैं कि बलूचिस्तान के क्राइम में उतनी जाने नहीं जाती जितने एक्सीडेंट पर जाने। तो पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने कोशिश की इसको ड्यूल कर दें, लेकिन वो फिर प्लानिंग कमीशन ने उसको अलग कर दिया। मतलब उस पे काम शुरू हुआ है, बजट सैंक्शन हुआ है, एलोकेशन हुई कुछ या नहीं? कुछ भी नहीं, अभी तो अभी हो रहा है, अभी कोशिश कर रहे थे वो। अब मैं बहुत सेंसिटिव बात बताने लगा आपको, पूरी दुनिया इस वक्त ग्वादर के रिवॉल्व कर रही है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ग्वादर के अंदर है और पूरा रीजन जो है वो इस वक्त क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ग्वादर को, जो भी डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है। ग्वादर के लिए 650 मिलियन रुपीस मांगे गए टू मेक ग्वादर अ सेफ सिटी, क्योंकि एक मॉडर्न शहर बन रहा है, बिल्कुल मुख्तलिफ मॉडर्न शहर बन रहा है। तो आपको हैरान कौन मैं बात बताने लगा हूँ कि प्लानिंग कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को कहा जी हम 50 मिलियन आपको देंगे, 650 की जगह। अब वो व्हाट अदर कंसर्न यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? ठीक है, कोविड आया, कोविड से पहले बलूचिस्तान के अंदर जो ग्वादर की मैं बात रिपीट करूंगा कि ग्वादर के अंदर सख्त पानी की क्राइसिस है, ग्वादर के अंदर क्राइम जीरो है, अगर क्राइम हो रहा है तो लोगों के घरों से पानी चोरी होता है इस वक्त, बिजली जो है कभी 12 घंटे नहीं आती, कभी 16 घंटे नहीं आती। तो क्या किसी गवर्नमेंट में दर्द है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है या इसको बिजली की जरूरत है? हाँ, ये यकीनन बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त भी है और वो, लेकिन मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा मामला है, सिंध के भी ऐसे हिस्से भी हो सकते हैं, पंजाब के भी, KP के भी, लेकिन बिलखसूस ग्वादर के हवाले से हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ग्वादर को ये कहा जाता है जी कि ये दुबई है फ्यूचर का और पाकिस्तान गेटवे टू एशिया भी है। तो मैं अगर ये कहूँ कि आप कह रहे 650 मिलियन गवर्नमेंट से डिमांड किए गए, 50 मिलियन जो है वो दिए, तो इसके पीछे कोई लॉजिक, जाहिर है कि ये इतना बड़ा जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसके पीछे कुछ सब्सटेंशियल होमवर्क होगा। शायद ये भी हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ जब एक प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसकी ओवर कॉस्टिंग कर दी जाती है, उसके पीछे कुछ मखसूस वजूहात भी तो होंगी। देखिए वजूहात का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यही अर्ज करने लगा हूँ कि मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो कंसल्टेशन होनी चाहिए सूबाई हुकूमतों के साथ वो प्रॉपर नहीं की। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं था क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में पार्टी है PTI पार्टी है, कम्युनिकेशन का इशू नहीं होना तो नहीं होना चाहिए, लेकिन है। आपके सामने चीफ मिनिस्टर अगर एक मीटिंग से उठ के बाहर चला जाए तो दैट इज समथिंग सीरियस, इट्स नॉट। उसके बाद सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का ये कह देना कि जी हम आपको PSDP हम अकोमोडेट करेंगे, इट्स नॉट इनफ, आई वुड नॉट बाय इट कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो मैं एक्सेप्ट, क्योंकि द पर्सन हु सेटिंग इन द मिनिस्ट्री वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाके कहेगा कि जी ये तो रेड में, हम इसको ब्लू में कैसे, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा, इसको ब्लू से रेड कर दो, रेड को, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम इज द मिसकम्युनिकेशन इज
बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसमें महमूद साहब पब्लिक सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, सरदार साहब ने भी बात की, गवर्नमेंट का भी एक मौकफ है, वो उनका ये कहना है कि हम PSTP में अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, स्पेशली जो नॉन टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी मद में जो चीज़ें आएंगी, जो अमाउंट आएगी वो हम PSDP की तरफ और कोविड रिलीफ फंड की तरफ जो है ना उसको डायरेक्ट करेंगे. आप क्या समझते हैं कि क्या ये सफिशेंट अमाउंट होगी कोविड के रिलीफ देने के लिए? देखिए, मेरे ख्याल से सफिशेंट अमाउंट रखेंगे, उसकी वजह देखें, जैसे सरदार साहब कह रहे हैं ना, ये मैं इनसे काफ़ी चीज़ें अग्री कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स बहुत है, मगर देखिए इस वक्त जो कोविड के लिए पैसे रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड जिसको हम अभी तक मेरे ख्याल से वी हैव नॉट टेकन इट सीरियसली, ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही है. इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आप 10 आदमी से बात करेंगे तो एक आध आदमी उसी जानने वाले का फैमिली का वो कोविड में बिल्कुल जा रहा है. एंड हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट जी बहुत कम है, बहुत कम है दुनिया के हिसाब से. ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वरना आम हालत में अगर आप देखें ना कि लाख के ऊपर मेरे ख्याल से अभी हम 2% के अराउंड 2% या 2.1 कुछ ऐसा है, तो उसको देखते हैं. मगर देखें इनके लिए फंड्स तो रखे जा रहे हैं और उसी में से ही अभी देखें ये होगा. देखें मैं ये कहूँगा कि वो रख के उसी में से करेंगे. अच्छा, मैं आपकी मिनिस्ट्री जो आप मैरीटाइम की क्योंकि एडवाइज़र भी हैं, आपको अक्सर हम मीडिया पे भी देखते हैं, जो पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर हैं उनके साथ क्या समझते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड की सूरत हाल है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हिट आया, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज दे रही है उन इंडस्ट्रीज़ को जो कि एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट बूस्ट कर सके? देखिए, एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ को कुछ ना कुछ रिलीफ तो दे ही रही है. एक तो आप देखें, पहले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को स्लैश डाउन किया, ठीक है, और मेरे ख्याल से 1-2% और भी वक्त के साथ अभी करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी आपने देखा 13 से कहाँ आ गया. दूसरी चीज़ ये है कि रिलीफ देना शुरू कर रहे हैं. और देखें, मैं आपको ये कहूँगा कि गवर्नमेंट रिलीफ बहुत स्लो दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खुद के पास पैसे नहीं है ना. आप ये देखें ना, गवर्नमेंट के पास पैसे हैं नहीं. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखें, हमने पोर्ट्स में जो डैमरेजेस आ रहे थे वो वेव किए, ठीक है ना, एक करोड़ों में फिगर्स हैं, कराची पोर्ट के भी, पोर्ट कासिम में भी, देखिए ना. और आप ये देखें कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दुनिया में हर जगह प्रॉब्लम है. हमारे यहाँ तो देखें पोर्ट्स बंद नहीं हुए, दूसरे मुल्कों में इंडिया हमारे बराबर में, इंडिया में तो कई दिन तक पोर्ट्स बंद रहे और चौक हो गए थे. उसके लिए कि हमने डे एंड नाइट लोगों ने काम करके और इसको क्या, देखें इम्पोर्ट्स इस वक्त जितने एक्सपोर्ट्स कम हुए, इम्पोर्ट्स भी उसी हिसाब से कम हुए, क्योंकि देखें अभी हर चीज़ आई वुड से स्लो डाउन हुआ है. और अब आस्ते आस्ते एक्सपोर्ट्स कुछ खुल रहे हैं, जहाँ पे टॉवल्स और ये बेडशीट्स वगैरह ये फास्ट जा रहे हैं, तो वो उसमें उनको काफ़ी एक मार्जिन मिल रहा है. बाकी चावल के एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, अब अनफॉर्चुनेटली आई होप नॉट कि वीट इम्पोर्ट करना पड़ जाए. ऑयल के ऊपर भी देखें तो वीट को तो अभी क्योंकि अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, गवर्नमेंट ने उसको भाई देखें, मगर नज़र ऐसे आ रहा है ना कि जो जो पेश किया जा रहा है उस हिसाब से दिखा रहे हैं कि भाई 1 मिलियन टन की शॉर्टेज है. तो अगर उसको देखें और प्राइसेस नीचे नहीं आए तो गवर्नमेंट हैज टू, तो ये तो बड़ी एक तश्वीशनाक बात है, कि तश्वीशनाक बात तो है, मगर देखें गवर्नमेंट ने मेरा आप देखें कल नोटिफिकेशन में निकाल दिया, सब ड्यूटीज टैक्सेस सब माफ कर दिए वीट के ऊपर अगर कोई इंपोर्ट करेगा. अब देखें ना, जब आप ये चीजें कर रहे हैं तो फंड्स की तो जरूरत होगी ना, और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कहाँ है? देखें ना, रेवेन्यू की भी तो हमारे पास प्रॉब्लम है ना. देखें ये तो अन डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा, डायरेक्ट टैक्सेस कितने आ रहे हैं आप देखें फिगर्स में, डायरेक्ट टैक्सेस तो बहुत कम है, वही में पूरी दुनिया में डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो 60-70% हमारी जो ये बिजनेस है वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट टैक्सेस की कंट्रीब्यूट करता है, हमारे यहाँ इनकम टैक्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें. वही तो है ना, तो वो भी इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट बिल्कुल, डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट कम है. तो चीजें देखें, मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड एट द मोमेंट हालात को देखते हुए कोविड और ये पूरी दुनिया मासब इस बहरान में है. सरदार साहब, एक यहाँ से एक बात तो ये कि 4,950 का गवर्नमेंट ने
टारगेट रखा है जो अभी खबरें आ रही हैं, क्या ये इतना टैक्स कलेक्शन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, क्योंकि पिछली दफ़ा 5550 का या 5555 अरब का एक बड़ा एक मैजिक फिगर रखा गया था, शब्बर जैदी साहब आए थे और फिर वो बीच में चले भी गए, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन 4000 प्लस पे मतलब एक फिर भी एक सब्सटेंशियल क्रॉस कर गए थे, लेकिन एक अच्छा खासा गैप रह गया था। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक हम पूरा कर सकते हैं, रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, रियलिस्टिक चीज़ तो ये है कि हमें वो ऐसा फिगर देना चाहिए, अगर उसको बढ़ा लें बाद में तो ठीक है। अब जब आप खुद पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रही है और आपको पता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगी, तो जहाँ बिजनेसेस आपसे रिलीफ मांग रहे हैं लोन की सूरत में, जहाँ बिजनेसेस रिलीफ मांग रहे हैं टैरिफ की सूरत में, जहाँ बिजनेसेस रिलीफ मांग रहे हैं अपनी राइट ऑफ की सूरत में, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको टैक्स देंगे? अभी मैं, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं एक बड़ा सेंसिटिव इशू आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पर आप ये देखें, कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इस वक्त पाकिस्तान में आई है वो लोकस्ट, टिड्डी दल। बलूचिस्तान में 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 32 उसमें घिरे हुए हैं, हमारे फ्रूट फॉर्म सारे खा गए वो, और जो बाकी फॉर्म्स हैं उनकी हालत ना पूछिए। जब कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपके एयरपोर्ट के ऊपर आ जाएं वो, तो बाकी चीज़ें पीछे छोड़ दें। तो मैं समझता हूँ कि टैक्स और बाकी चीज़ों को डिस्कस करने से गवर्नमेंट को, अभी पिछले एक हफ्ते से डॉक्टर हफीज़ शेख, रजाक दाऊद, ये सब अपनी अपनी कहानी पेश कर रहे थे बजट के ऊपर, लेकिन मुझे अफसोस से कहना चाह रहा है कि पाकिस्तान की 70% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि जी हम इसके लिए ये अरेंजमेंट करेंगे। तो किसान जो है, जो किला सैफुल्ला में बैठा हुआ है, मादत के साथ मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, किसान जो ज्यारत में बैठा हुआ है, वो तो ना आपके प्रोग्राम को सुन सकते हैं, ना उसके पास मोबाइल फोन है, तो किससे अपनी तकलीफ जाके बताएगा? काफी लोगों के पास आ गए हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर अक्रॉस द बॉर्डर का प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? ये मिनिस्टर बाहर के मिनिस्टर है। लेट्स टॉक ऑफ रियलिटी। इफ वी टॉक ऑफ द टैक्स, दिस विल बी अ गिमिक, दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। कि मैं आपको कहूं नहीं जी, इस दफा तो डॉक्टर हफीज शेख ने, गवर्नमेंट ने कहा तो है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर को, आईटी सेक्टर को इस दफा हम, और साथ में एसएमईज को, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं आप समझ लेंगे जिसके ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव या ज्यादा फोकस होगा इन एडिशन टू द कंस्ट्रक्शन। मैं आपके साथ सेंसिटिव चीज शेयर करूं, मुझे 3 माह हो गए, स्टेट बैंक ने अनाउंस किया कि जी जो डिसबर्समेंट ऑफ बैंक्स टू एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड। मैंने उनको लेटर लिखा, मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि जी आप मुझे बलूचिस्तान की फिगर दे दें यार। मुझे कोई फिगर नहीं मिला। आज 90 डेज इस बात को हो गए। प्रॉब्लम ये है, सॉरी, अब कहने को हम बहुत कुछ कहते हैं। मैं आपसे सच्चाई से बताऊंगा, अपने मुल्क की सच्चाई बताऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी से मैं एग्री नहीं करता हूं इससे कि जी हम टैक्स बढ़ाएंगे, टैक्स मिलेंगे। आई डोंट थिंक सो। टैक्स तो गवर्नमेंट, क्योंकि देखें अगर 5550 या 55 जो भी टारगेट पिछले साल था, उससे एक सब्सटेंशियल अमाउंट कम होगी, ये तो गवर्नमेंट भी एग्री करती है कि टैक्स जो है वो नहीं, जाहिर है कि इतना वो टारगेट बड़े ओवरली ऑप्टिमिस्टिक थे। लोकस्ट के हवाले से मैं अगर महमूद साहब आपसे पूछूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये मेन स्टे है, अब ये एक दफ़ा तो अभी ये आया, इससे पहले भी लोकस्ट आ चुका है चंद महीने पहले, तो क्या गवर्नमेंट ने इस हवाले से कुछ सोचा नहीं था, या कुछ स्ट्रेटजीज या कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स या जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंसेक्टिसाइड्स लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट कर रही है, एनडीएमए जो है इसको देख रही है, और इसमें कुछ हद तक तो देखें ये 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का भी है। अभी आप देखें ना, हम लोकस्ट की बात कर रहे थे, सिंध गवर्नमेंट ने गाड़ियाँ खरीद ली, आप ये देखें ना, इतनी गाड़ियाँ खरीद ली लोकस्ट के मद में, हो सकता है लोकस्ट को मारना होगा। ठीक है ना, तो गाड़ियाँ उन्होंने जाके खरीद ली, वो जो दवाइयाँ और उसके वजह है, तो वो देखें चीज़ें वही है ना, मैं आपको बताऊँ, देखें लोकस्ट बहुत डेंजरस चीज़ है। देखें ना अभी तो जैसे इन्होंने कहा फ्रूट फार्म्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, देखें ना, ये तो शुक्र करें कि हमारा वीट का क्रॉप निकल चुका था। अगर वीट का क्रॉप नहीं निकला होता तो आपको बहुत मेजर इम्पोर्ट्स होने पड़ते। लोकस्ट को तो मेरे ख्याल से हर हालत में देखना चाहिए। एनडीएमए ने मेरी कल तो परसों बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए जी हम, मेरे ख्याल से 3 जहाज़ और उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जनरल इनाम
साहब है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द नेम, जनरल साहब से मेरी, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तो इसके ऊपर पूरा देख रहे हैं। इसमें ये भी एक खबर आई थी अखबार में भी, कुछ हमने सोशल मीडिया में भी देखा, चाइना जो है पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, कुछ डक्स जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं या वो भेज रहे हैं, कुछ इस हवाले नहीं, वो कैंसिल हो गया था। अच्छा, वो उन डक्स को पानी चाहिए और हम लोग तो वाटर डिफिशियंट है। बलूचिस्तान में उन्होंने लॉन्च करना था, तकरीबन 20,000 डक्स ला रहे थे, लेकिन वो जब उनके एक्सपर्ट आए, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा जी हाँ ये तो जिंदा नहीं रहेंगे, ये 15 दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। तो अब जो पंजाब के इलाके में अभी वो कितने का उन्होंने उकाड़ा में ट्रायल किया कि वो लोकस्ट को आप पकड़ें और उसको चिकन फीड बनाए आप, उसको टिड्डी मार लोग कितने आप पकड़ सकते हैं, वो फिर वो मजाक करने वाली बात। मतलब ये तो इसमें क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए इसके लिए, तो ये खुदा ना खास्ता एक तरफ कोविड 19 है, ये लोकस्ट है, हमारी ओवरऑल बजट का भी जो कलेक्शन है वो भी बड़ी एक ड्यूबियस नज़र आती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा महमूद साहब के फिर इकोनॉमिक फ्यूचर या अगर आइंदा आने वाले चंद महीने तो बड़े डेंजरस नज़र आते हैं कि एक तरफ तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके ऊपर हम तकिया करे बैठे थे कि चलें और कुछ नहीं तो पाकिस्तान के अंदर फूड की और जो दूसरी चीज़ें उनकी सप्लाई कम नहीं होगी, वो भी इफेक्ट हो गए, हमारी एक्सपोर्ट्स पहले ही इफेक्ट हो गई हैं, तो फिर बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन नज़र आ रहा है। बहुत चैलेंजिंग, मगर मैं आपको बताऊँ ये लोकस्ट के ऊपर बड़ी वर्किंग हो रही है और ये काम इमीडिएटली शुरू हो रहा है। ये मैं आपको बता दूँ, मैं सरदार साहब ने कहा, मैं बिल्कुल 100% इनसे एग्री करता हूँ और इसको काम शुरू हो जाना चाहिए था बहुत पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत पहले होना चाहिए था, मगर क्योंकि कोविड और देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, हालांकि वो कहना नहीं चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का एक अंदाज जो है ना वो बहुत स्लो है। हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि फौरन, हमारे यहाँ हर चीज़ बहुत स्लो, अब जो जाके देखें जब वो सर पे आ जाता है तो अब जाके इन्होंने कोई फास्ट करना शुरू किया। इसमें सरदार साहब मैं आपसे भी आपकी भी राय लेता हूँ कि कल के प्रोग्राम में भी हमारे एक मेहमान ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा जी कि चले ये काम कर दें, ब्यूरोक्रेसी ने फौरन कहा या वहाँ पे जो सेक्रेटरी, ये नहीं हो सकता, ये है, ये मसला है, ये मसला है, इसको हम इसको ऐसे कैसे अलग करेंगे। क्या ये बात सच है कि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं ये भी किसी हद तक हमारे प्लान्स को या हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके एग्जीक्यूशन को डिले करते हैं? बिल्कुल है, 100% ऐसा है। और मैं हमेशा, हम लोग एज ए बलूचिस्तान इकोनॉमिक फोरम हर साल बजट के बाद ना अपनी एडवाइजरी इशू करते हैं, और हम कंजेक्टिवली अगर पिछले 10 साल की हमारी एडवाइजरी देखें तो उसमें हम लिखते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को जो है इसको आपको रिमूव करना है। उसके बगैर आप ये प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ नहीं देखें, आप प्रोविंस में आ जाएं, चीफ मिनिस्टर की इतनी पावर नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी के बगैर कुछ कर सके या किसी सेक्रेटरी को डिक्टेट करे कि जी आप ऐसा करें, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कर सके। देखिए ये क्यों है, ये बड़ी अजीब बात की है, चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल है। मैं देखिए मैं फेयर बात कर रहा हूँ आपसे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ इसको। कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर कहे कि मेरी बहुत ज्यादा हैसियत है, आज प्राइम मिनिस्टर के पास जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है, इज मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन प्ले मेरे। अभी इसकी क्या वजह, इसकी वजह है कि हमारी पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं, हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिकली इतने इंपावर्ड नहीं है और आवाम से उनको उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, तो वो ब्यूरोक्रेसी को भी ये मालूम है कि यार इनकी कितनी हैसियत है, मैं इनका कितना काम कर। ये तो वो लोग हैं, खैर ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मेरा व्यू उसमें ये है कि ये वो लोग हैं जो आवाम जिनको लेके आए हैं और आवाम के साथ भी ये फुली कनेक्टेड होते हैं और आवाम ही इनको बैक कर रही होती है। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी। मैं आपसे एसएमई के हवाले से पूछना चाहूंगा क्योंकि आप एसएमई के हवाले से काफी डिस्कशन भी करते हैं और आपका ये नुक्ता नजर है कि एसएमई को ग्रो करके पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के गोल को अचीव कर सकते हैं। क्या आप देख रहे हैं इस बजट में एसएमई के हवाले से और क्या पोटेंशियल है पाकिस्तान की एसएमई, जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए? मैं बहुत अजीब सी आपको बात बताने लगा हूँ। देखिए मेरी इन्वॉल्वमेंट रही वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, आईएमएफ, यूएनडीपी, यूनिडो, अनटेड, ये वो इदारे हैं, यूएसएड, डिफेड, जो एसएमईज को देख रहे हैं। लेकिन अब ऐसा, ये दो इश्यूज तो हमने डिस्कस कर लिए जो पाकिस्तान ट्रबल में, कोविड भी हो गया, आपने लोकेस्ट भी कर लिया, लेकिन अब सर्कुलर डेट के बाद आपको आपका माइक्रो डेट क्रिएट होने लगा। ये छोटे छोटे दुकानदार जो हैं, इन्होंने किसी से चीजें खरीदी हुई हैं उसको पैसे देने, इसने कहीं से चीजें खरीदनी इसको उधार नहीं मिलना,
दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ माइक्रो डेट, सर्कुलर डेट इन दिस कंट्री एंड इट इज कमिंग अप, आई एम टेलिंग यू. आज भी आप जाएं, अल्लाह ना करे ऐसा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं ऐसा ना हो, आप कराची शहर के अंदर बोरी बाजार में घूमिए, आप बोल्डन मार्केट में जाइए जो कोर मार्केट्स हैं पाकिस्तान की, उधर अल्लाह ना करे, मैं बिजनेसमैन ने मुझे बताया सर हो सकता है यहाँ पे ये मेरी स्ट्रीट में 20 दुकानें दोबारा खुलेंगी नहीं. नाउ हु इज गोइंग टू एड्रेस दैट इशू? क्या स्टेट बैंक के गवर्नर में इतनी इंटेलेक्ट है कि वो इसको अटेंड करे? या प्राइम मिनिस्टर ने रजाक दाऊद को बोला कि गो एंड अटेंड टू दिस? दिस इज द कॉमन पर्सन प्रॉब्लम एंड यू हैव टू एड्रेस दैट. आप अपने कुछ भी नहीं करें. मैं समझता हूं किसी इदारे को इन्वॉल्व, आपके MNA को एम्पावर करें, लेट हिम गो इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. नहीं, लेकिन ऐसे बिजनेसमैन को, चले मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे बात कर लेता हूं, कि SMEs जैसे फेल हो रही हैं, दुकान बंद हो जाएगी, तो क्या आप समझते हैं कि स्टेप होने चाहिए, किसको काम करना चाहिए? ये बैंक स्टेप करेंगे. बलूचिस्तान में तो बैंक्स ने रेड फ्लैग लगाए हैं कि जी हम आपको पैसे नहीं दे सकते. नहीं नहीं, बैंक तो होते ही पैसे दे देंगे. नो नो, सवाल ही नहीं पैदा. वहां पे ADR जो है, एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो, वन टाइम वाज 5%. मतलब आप 100 में से 5% लोन दे सकते. हाँ, 100 रुपए में से 5 रुपए दे सकते हैं. तो बलूचिस्तान 47% ऑफ दिस कंट्री. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मैं एग्रीकल्चर पे आपको मैंने बता दिया, ADBP से पूछे कितना पैसा देते हैं आप बलूचिस्तान के लोगों को. दैट्स अ क्वेश्चन. प्रॉब्लम ये कि अफसोस है हमारे 65 MPAs और जो गिने चुने MNA सेनेटर, उनकी सियासी उतनी हैसियत नहीं है. इसी तरह दूसरों की है. ऐसे भी सिंध है, इसी तरह पंजाब है, इसी तरह KPK. अगर किसी को बुरा लगे, मैं आई डोंट माइंड. अगर ये मैं ये नहीं पूछता हूँ कि किसकी बड़ा लंबा, लेकिन ये देखें, ये बजट जो है इसमें आपको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नजर आएगी. अगर जिसको मैंडेट प्रॉपर होगा वो आवाम को एडवांस में बताएगा और आवाम की खैर ख्वाही करेगा. जिसको मैंडेट, उसको पता है मेरी मैंडेट वीक है और मैं माजरत के साथ आवाम में से नहीं हूँ, देन ही वुडंट केयर अबाउट दिस. बहरहाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो आवाम से ही आवाम के नुमाइंदे आते हैं. महमूद साहब, महंगाई कम होने जा रही है इस बजट के बाद या बढ़ रही है? बढ़ेगी तो नहीं, ठीक है ना. या तो उसको मेरे ख्याल से स्टैग्नेंट रखेंगे या थोड़ी बहुत मतलब कमी पे ही आना चाहिए. बढ़ने की तो कोई गुंजाइश इसमें, लेकिन जो कार्टेल्स हैं, एक तो चले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, ठीक है. जैसे आपने शुरू में कहा कि मार्जिन लोगों को लेने की आदत है, अब ये जो कार्टेल्स हैं आर्टिफिशियल महंगाई बढ़ा रहे हैं और जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उन पे ये कार्टेल्स बन रहे हैं, तो ये तो बड़ा फिर मसला हो जाएगा. इसका बजट के साथ तो कुछ लिंक है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, रेट की आप देखें, पेट्रोल की कीमतें तकरीबन 40% से ज्यादा कम हो गई. ट्रांसपोर्ट के फेयर कम हो गए? नहीं हुए, ठीक है ना. अब आप उनसे बात करेंगे, होते सर स्पेयर पार्ट्स, मतलब दे कम अप विद एक्सक्यूजेस, ठीक है ना. वो कम नहीं करते. मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, देखे जहाँ कम हुआ है, अगर ये पेट्रोल जरा सा बढ़ जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट की, हमारे यहाँ जो चीज बढ़ जाती है वो कम वापस रिवर्स लेने को नहीं आती. देखे आप सब्जी देख रहे हैं, आप मंडी में जाके सब्जी की कीमत देखें और आप रिटेलर के पास देख लें, मार्जिन्स कितने हैं. कई दफा तो 100% से भी ज्यादा होता है. 100%, मैं कह रहा हूँ 150% हो जाता है. तो वो चीजें जो है ना, वो वहां पे देखें, मैं कहूंगा लोकल गवर्नमेंट्स, चाहे वो हर सूबे में, वहां पे उनके रेट होने चाहिए. वहां पे ये देखना चाहिए कि यार अगर ये रेट है, वो जो हमने रेट लिखा है वो एस्टेब्लिश जो हम कर रहे हैं वो लोगों को मिले. आप ये देखें ना, अगर आपने मैंने निकाल दिया टैरिफ, निकाल दिया कि जी आपको मिलेगा, मिसाल दे रहा हूँ 50 रुपये किलो टमाटर, 200 रुपये बिक रहा है, तो वो देखना चाहिए. तो जो लिखे तो वो होना तो चाहिए. तो पेट्रोल की कीमत कम हो गई, ट्रांसपोर्ट किसी को कोई ना, रिक्शा वाले ने कम किया, ना टैक्सी ना बस, कोई भी कम नहीं हुआ. इवन ट्रांसपोर्ट यहाँ से जो फ्रूट और वो लाने वाले, वो भी कम नहीं कर रहे. आप ये देखें ना किस इफेक्ट, हालांकि मेजर कंपोनेंट क्या है ट्रांसपोर्ट में, फ्यूल है. आप फ्यूल का प्राइसेस देखें, 40% से ज्यादा चला गया. यानी कि ये आगे इसके जो सम्राट हैं वो लोग, जो दूसरे सेक्टर्स हैं, वो अपनी प्राइसेस कम नहीं करते हैं. तो इसमें फिर एक बात ये है कि क्या, मैं सरदार साहब, बल्कि मैं पहले आपसे पूछता हूँ फिर मैं महमूद साहब की तरफ आऊंगा, कि क्या सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट ने कम करनी. हालांकि मैं खुद बड़ा क्रिटिक हूँ गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज का, लेकिन एक पॉइंट ये है कि क्या सारी चीजें फेडरल गवर्नमेंट ने कम करनी है, क्या सारी चीजें इमरान खान ही काम करेगा, या कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां भी हैं? क्योंकि जब कोई बात होती है तो कहते हैं 18वीं तरमीम है, सूबे आजाद हैं, जब महंगाई की बात होती है सारा वफाक पर डाल देते हैं.
नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। आप छोटी सी चीज़ देखें, अंडर PSDP या स्पेशल ग्रांट जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे मिलते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट दी जाती है। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस साल मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने बिलियन फेडरल गवर्नमेंट को वापस किए, इंस्पाइट के बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर आप इस दौरान आप यूज़ नहीं कर सकेंगे तो यू हैव टू सेंड इट बैक। अपने प्रोजेक्ट पे क्यों यूज़ नहीं किया? नहीं, अब इसलिए नहीं किया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज थे और हैं, और फिर ये कोविड आ गया। ठीक है, देयर आर सो मेनी। अब फेडरल गवर्नमेंट में उसकी कंसिडरेशन नहीं है। नहीं, लेकिन जो महंगाई का है, जैसे महमूद साहब ने कहा या दूसरे लोग भी कहते हैं कि भाई पेट्रोल की प्राइसेस कम हो गई हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्हें कहें कि किराए कम करें। सूबाई हुकूमत इसमें बिल्कुल उसको लेवरेज नहीं है। पूरा टैक्सेशन का निज़ाम फेडरल गवर्नमेंट के पास है, ऑयल प्राइसिंग फेडरल गवर्नमेंट करती है, पावर प्राइसिंग फेडरल गवर्नमेंट करती है। अगर प्राइसेस कम हुई है तो किराए या ये जो रेगुलेटरी चीजें हैं ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, तो सिर्फ आप पेट्रोल को नहीं देखें ना, और भी इश्यूज देखें ना। आप अभी जैसे कहीं किसी सूबे में अल्लाह ना करे सिक्योरिटी के हालात ख़राब होते हैं तो सूबाई हुकूमत फौरन फेडरल गवर्नमेंट से प्रिविलेज लेती है कि जी आप हमें रिलीफ दें क्योंकि हम सिक्योरिटी के ऊपर हमें बजट। तो इस दफ़ा क्या गवर्नमेंट कारोबारियों को रिलीफ देगी कि कोविड के अंदर वो बेचारे कितने तबाह हो गए? तो कारोबारियों को रिलीफ देगी गवर्नमेंट? रिलीफ देगी, मेरा ख्याल से कारोबारियों को रिलीफ देगी और देना भी चाहिए। अच्छा। देखें ना, और मैं ये कहूँगा कि स्लोली स्लोली मतलब और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको प्रायोरिटी देना चाहिए। ये मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को छोटे बिजनेसमैन को प्रायोरिटी देना चाहिए बनिस्बत बड़े को। उसकी वजह ये है कि देखिए बड़े लिमिटेड हैं, छोटे बहुत सारे हैं, और जो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस मुल्क के इकोनॉमी को चला रहे हैं। मैं कहूँगा नहीं, जो SMEs या उनके जो और भी छोटे हैं दे आर द मेन स्ट्रीम। तो इसमें स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक के गवर्नर ने कुछ अर्सा पहले भी कहा, और स्टेट बैंक से डिफरेंट न्यूज़ आ रही थी कि स्टेट बैंक कुछ सैंक्शन कर रहा है अमाउंट SMEs को देने के लिए लोन्स, तो कुछ इस तरह की? अब बिल्कुल स्टेट बैंक ने पॉलिसीज बना रहे हैं और मेरे ख्याल से कि जो बिल्कुल छोटे हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये तीन टीयर बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी उसके हमने सीलिंग्स भी बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपके इसमें, पहले ये था कि जो SME की सीलिंग थी उसकी मेरे ख्याल से लिमिटेशन मेरे ख्याल से 25 लाख थी। अब उसको SME को हम लेके जा रहे हैं 1 करोड़ या 2.5 करोड़ में। अच्छा, क्योंकि पहले सेल जो है वो 25 लाख या उससे कम होनी चाहिए। देखिए उसके वो तो फिर SME नहीं हुआ, वो तो कुछ भी नहीं, पान की दुकान भी नहीं हुआ। तो इसलिए वो सीलिंग को हम लेके जा रहे हैं मेरे ख्याल से 1 करोड़ पे या 2 करोड़, मैं फिगर्स में एग्जैक्ट, मगर वो सीलिंग काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। जो उससे नीचे थे उसको भी हमने सीलिंग चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखें अगर आप SME को देखें कि 25 लाख में टर्नओवर पे लेंगे तो वो तो कोई भी नहीं आएगा उसमें। तो इसीलिए वो सीलिंग को बढ़ा रहे हैं ताकि उसमें SMEs आएँ और फिर जो उसकी जो सेकेंड टेयर है वो भी आ जाए, तो इससे काफ़ी मेजर फर्क पड़ेगा आपको। अच्छा, इसमें सरदार साहब अगर हम ये जो SMEs की बात कर रहे हैं, महमूद साहब अगर हम इनको रिलीफ दें, तो मैं क्योंकि ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग SMEs पे नज़रें जमाए बैठे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो बड़ा बिजनेस है शायद वो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए, लेकिन SMEs जो कि 90% है हमारी इकोनॉमी का, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट ने उनको मदद नहीं की। तो क्या आप समझते हैं कि जो लोन्स की अमाउंट है अगर हम SMEs को दें तो वो अपने कदमों पर अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तो जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ड्यूटी है कमर्शियल तरीके से। अब गवर्नमेंट तो अगर देगी तो वो ग्रांट देगी, या गवर्नमेंट जो है उस लोन को गारंटी करेगी कि अगर प्राइवेट SMEs को स्टेट बैंक थ्रू बैंक्स लोन देता है गवर्नमेंट के कहने पर, तो खुदा ना खास्ता कोई डिफॉल्ट होती है तो गवर्नमेंट अश्योर करती है, जैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी बॉन्ड सेल होते हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मैकेनिज्म है नहीं अनफॉर्चुनेटली, कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं। मैं छोटी सी आपको चीज़ बताऊं कि इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर पे 800 किलोमीटर फेंसिंग हो रही है, और ये छुपने की बात नहीं है, सिक्योरिटी इश्यूज को छोड़ के ये बॉर्डर जो है, ये दोनों ट्राइब, मेरा ट्राइब भी उधर है, दोनों ट्राइब जो एरियाज हैं उनकी इकोनॉमिक्स इस बॉर्डर पे डिपेंडेंट थी। अच्छा।
अच्छा, अब उसको मैं खुल के आप उसको मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलूंगा, आप उसको स्मगलिंग बोल देंगे, मतलब जो लॉजिक की बात है। तो हम लोग रोते रहे पीटते रहे कि यार आप इनको ऑप्शन दीजिए, व्हेन यू पुट द बार्ब्ड वायर फेंसिंग कर दी आपने, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट, आप उनके साथ कुछ स्पेशल फॉर्मल बिजनेस की जो है बिल्कुल करें, आप उनको उनको गाइड करें उनको। आप मुझे बताएं कि दुनिया का हर बैंक जो है उसका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, आज सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, किसी भी बैंक का रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं, हु कुड फीड, हु कुड प्रोवाइड इनपुट टू देयर क्लाइंट्स कि जी आप ये करें तो आपको सक्सेस होगी आने वाले वक्त में, गवर्नमेंट कोई भी नहीं ऐसा करता। फिर ये गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी आ जाती है, गवर्नमेंट हैज टू पुट देम वाइज। बहुत से इलाके सिंध, ये तो अभी भी आप उठा सकते हैं कि, और ये गवर्नमेंट के शायद, अगर मुझे तो इसका इल्म नहीं है लेकिन हो सके कंसिडरेशन में हो के जी, अगर वो जहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं स्मगलिंग को खत्म करने के लिए, कुछ स्पेशल रेगुलेशंस के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो जो रीजनल लेवल पे उस पर्टिकुलर लेवल पे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक चीज टेकअप नहीं करे। अभी एक किताब छपी सीड्स ऑफ टेरर, उन्होंने मेरा पूरा कमेंट उसके अंदर लिखा। अमेरिका ने हमें उम्मीद दी कि जी मैं आरओजीज बनाऊंगा, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स बनाऊंगा, दो साल उन्होंने बेवकूफ बनाया हमारे दोस्तों ने, और फिर गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए था कि भी देखिए हमारी पूरी ये बेल्ट डिस्टर्ब होगी रशिया वॉर से, वो 80 से हम लोग डिस्टर्ब है, पहले रशिया आया फिर अमेरिका आ गया, तो हम डिस्टर्ब है पूरी पॉपुलेशन, काइंडली आप हमें हेल्प करें। लेकिन जब बाहर वाले हमें झूठ बोल के चले जाएं तो हम अपनों से क्या उम्मीद रखेंगे। एक मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि गवर्नमेंट एसएमईज के साथ जो हमारे मैरीटाइम जब मैरीन लाइफ की फिशेज हो गई या जो दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम पाकिस्तान पहले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट बेहतर तरीके से फोकस करना चाह रही है, क्योंकि पहले जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इस हवाले से कुछ सजेशंस हैं जो कि आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? देखिए गवर्नमेंट को मैंने दिए भी हैं और गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। देखें फिशिंग के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, स्पेशली देखें जो कि फिशिंग के जो है ये भी एसएमईज में आ रहा है जी जी। इसके ऊपर भी बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि देखें इनको जो है फाइनेंसिंग दे दी जाए, और दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर को भी फिशिंग में देखा जाए, और इसके लिए कैश फार्मिंग के ऊपर भी काम हो रहे हैं। मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में सरदार साहब को पता होगा कई जगहों पर अभी शुरू कर रहे हैं कैच फार्मिंग, क्योंकि बलूचिस्तान हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन फिशिंग। जो जितना मैं आपको कहूँगा कि आज जो फिशिंग फिश आ रहा है कराची में, इसमें ज़्यादातर जो है बलूचिस्तान के हैं, ठीक है ना, उसकी वजह कि ये प्रॉन्स और ये है इनके पास काफ़ी अच्छे मकदार में है, और हमने फॉरेन जो ट्रॉलर्स हैं उनको अभी तक इसीलिए लाइसेंस नहीं दिया ताकि जो हमारे छोटे जो फिशिंग बोट्स हैं ये एडवांटेज ले सकें और इनको चांस मिले। वरना अगर आप देखें पिछली गवर्नमेंटों में बड़े बड़े ट्रॉलर्स आते थे चाइनीज जी जी। और या और दूसरे आते थे ताइवान के, वो सारी फिश लेके चले जाते थे, बिल्कुल वो सो पूरा का पूरा बिल्कुल वो एक अकेले काफ़ी होते। तो इस दफ़ा ये है कि उनको परमिट नहीं दिया गया है ताकि जो हमारे लोकल फिशरमैन हैं ये डेवलप हो सके। अच्छा, इसमें जो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और जब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सपोर्टिंग कंट्री जहाँ जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी शिकायत पाकिस्तान के ये जो फिशिंग के हवाले से या जो दूसरी इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो ये है कि इनकी पैकिंग बेहतर नहीं होती है, कई दफ़ा प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा डिलेज आ जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जब प्रोडक्ट पहुँचती है उसकी लाइफ बहुत कम रह जाती है, तो ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं इनको कोई रिजॉल्व करने देखिए इनको भी देखें वो देखिए रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। अगेन ये मैं बताऊँ ना, ये कुछ देखें यहाँ पे आ जाता है सुबह ही 18th Amendment में, यहाँ पे जो कराची फिश हार्बर है ये सिंध गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है ना, और कुरंगी फिश हार्बर जो कि बना था जो कि अभी तक ऑपरेशन मैं कहूँगा उसके एक्सपोर्ट के हिसाब से नहीं है, वो फेडरल का है, उसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है कि देखें इसके चीज़ों को हम अपग्रेड करें। और मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं देखिए ना अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें, देखें ना उसकी वजह ये है कि जितना वो थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो उससे जो है उनको ही आमदनी मिलेगी। आप एग्जांपल ले लेना कि श्रीलंका का $1.5 billion का एक्सपोर्ट है फिश का, सिर्फ फिश का, हमसे बहुत कई गुना छोटा मुल्क है, और मेरे ख्याल से कुछ सालों में इन्होंने चेंज किया अपने आप को, वरना तो मेरे ख्याल से
बहुत कम था। हमारे फिशरी सेक्टर में इतनी है पोटेंशियल के कम से कम 0.5 बिलियन डॉलर तक ये एक्सपोर्ट कर। मेरे ख्याल से हमारे फिशरी सेक्टर में तो बिलियन डॉलर का भी है। अच्छा, आप 0.5 की बात करें, पोटेंशियल बहुत है हमारे यहाँ से। देखें, मैं आपको बता दूँ कि मछली जो है, कुछ मछली जो है ये कैच इधर होता है वो स्मगल्ड होके बाहर ही बाहर ईरान चले जाते हैं, और ईरान से ठीक है ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है जो है वो ईरान से जा रहा है, और वो फिश जो है वो कैच यहाँ की है। ठीक है ना, वो बाहर ही बाहर चीज़ें हो रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि देखेंगे जी ये जो है चीज़ें ज़रा चेंज आ जाए। ठीक, अच्छा, इसमें मैं फिशरी के साथ सी पैक भी जुड़ा हुआ भी है, मुझे पता है बड़ा आपके दैट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और सी पैक पे मेरे और आपके काफ़ी प्रोग्राम भी हुए, और ओवर मेरा ओवरव्यू और जो ओवरऑल मेरा नुक्ता नज़र है वो आपसे मिलता जुलता है, लेकिन कुछ ऑपरेशनल मामलात में आपके पास ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। सी पैक के हवाले से पिछली दफ़ा मुझे याद है एक हम बजट के बाद प्रोग्राम में बैठे थे, तो एक हमारे दोस्त ने सवाल किया कि सी पैक के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एलोकेशन नहीं की हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इस दफ़ा सी पैक के लिए बजट में एलोकेशन होगी या नहीं होगी? हालांकि मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र यह है कि बजट में सी पैक के हवाले से कोई एलोकेशन नहीं होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, सी पैक में बजटरी प्रोविजन में मैक्सिमम जो है वो आपके फ्री जोन्स हैं और रोड हैं, हाईवेज हैं, उसमें चाइनीज़ का भी इनपुट ज़्यादा है। लेकिन गवर्नमेंट जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुके हैं, जैसे ग्वादर जो है बहुत डिले हो गया, उसको 2 साल लगे बनने के बाद, चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपको इंसेंटिव देंगे और मैं इसके अंदर प्राइवी हूँ, जितना रुलाया बेअदबी की माफ़ी, इनकी मिनिस्ट्री ने जितना रुलाया FBR ने, एंड पे ये हुआ कि जब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में आया और पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत पड़ी और प्राइम मिनिस्टर जब चाइना जाने लगे थे तो उन्होंने इमीडिएटली 2 साल से जो फ्री जोन के टैक्स के लिए रुला रहे थे वो प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस इशू करवाया इस चीज़ का। अभी वो ऑर्डिनेंस लैप्स हुआ, फिर उसको एक आई डोंट नो 160 डेज और सो उसका टाइम दिया गया। प्रॉब्लम ये है कि आप एडहॉकिज्म से बाहर निकल जाए। पूरी दुनिया जो है वो फिक्र में है कि यार अगर सी पैक बन गया तो पाकिस्तान फिर इस खत्ते का लीडिंग इकोनॉमिक टाइगर होगा, लेकिन हम टाइगर के नज़दीक जा ही नहीं रहे ना। वी हैव टू बी सीरियस, वी हैव टू फॉलो एक म्यूचुअल लाइन को, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को म्यूचुअली जाना होगा। बलूचिस्तान में 2 फ्री जोन उन्होंने बनाए, एक बोस्तान में जो बहुत पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ नियर ना पॉपुलेशन है ना रिसोर्सेज हैं, एक हब में। हब को मैं नहीं मानता क्योंकि हब में नवाब अकबर खान बुगटी एक जोन बना के गए थे, इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ जब कामयाब हो गया लोगों ने अपनी पैकिंग की, लोग कोई लाहौर चला गया, कोई सिंध में आके चला गया। सो यू हैव टू सी के रिसोर्सेज कहाँ हैं। आप चागी में लगाएं जो मिनरल रिच एरिया है, आप कुचलाक में लगाएं जो फ्रूट रिच एरिया है, सो या आप हरनाई में लगाएं जो लाइफ स्टॉक रिच एरिया है। सो यू हैव टू डिसाइड। चाइनीज को जब मैं पूछता हूँ बीजिंग में जाके, वो मुझे कहते हैं कि ब्रदर इट्स स्टेट टू स्टेट, सो वॉट योर स्टेट से विल डू दैट, वी कांट लिसन टू यू, वी कैन टेक ideas from you but we can't listen to you, that's a problem. Main Musa, final words before the budget, kyunki hamara time khatam ho raha hai, kya kahenge budget ke hawale se, your final words? Mera kehna hai ki budget would be a positive budget, budget would be a positive budget. Janab Sardar sahab, main Mehmood bhai senior hain, government ke andar bhi baithe hain, nahi main wo government ke andar bhi baithe hain to main unko contradict to nahi kar sakta, lekin main bilkul fair बात करूंगा कि मैं ज्यादा होपफुल नहीं हूं। आप ज्यादा होपफुल नहीं है, चले नाजरीन, और मैं जो है वो मिडिल ऑफ द रोड, कुछ उम्मीदें भी हैं गवर्नमेंट से, कुछ कहीं पे आप ये समझें कि पेसिमिज्म भी है, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि गवर्नमेंट ये बजट जो है वो ऐसा पेश करेगी जो कि अवाम की उम्मीदों के 100% मुताबिक तो नहीं, काफी हद तक उस उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं।